तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सबका द एक्सपेरिमेंट बेस्ट चैनल। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो कि बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप सब वीडियो के लास्ट तक एंड तक बने रहिए हमारे वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना। तो आज हमारा वीडियो किस पर है और आज हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है, आइए हम उस पर बात करें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारे पास आज एक है तो एक नारियल, तो वैसे तो इस नारियल को अटक कर, ठीक है, बट आज हम इस नारियल को अटक कर नहीं फोड़ेंगे, ठीक है, आज हम इस नारियल को फोड़ने वाले हैं कुछ अमेजिंग चीज से, ठीक है, आज हम इस नारियल को फोड़ने वाले हैं इन पटाखों से। ये देखिए हमारे पास हैं तीन पटाखे, ठीक है, हमारे पास कितने हैं? तीन पटाखे। तो क्या इन सब पटाखों से क्या नारियल फूट पाएगा या नहीं फूट पाएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है, तो आइए हम ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक पटाखा लेंगे, उसके बाद उसको इस तरीके से चिपका देंगे, ठीक है, चिपकाने के बाद हम उसमें आग लगा लेंगे। तो पहले हम एक पटाखे से चेक करते हैं क्या हमारा नारियल फूट सकता है या फूट नहीं सकता, उसके बाद हम हमारे पास बचेंगे दो पटाखे, ठीक है, तो दो पटाखों को हम लोग नारियल के साइड साइड लगाएंगे, ठीक है, इस तरह लगाएंगे, उसके बाद दोनों में हम आग लगा देंगे, तो क्या हमारा नारियल इसे फूट सकता है और या फिर इससे नहीं फूट सकता, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ इसको फोड़ने के लिए लाएंगे, ठीक है, तो क्या नारियल सच में बहुत ही मजबूत होता है या फिर मजबूत नहीं होता है, आज इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम इस पटाखों से नारियल को फोड़ेंगे, तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को करें, ठीक है दोस्त। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे इस वीडियो में कि जो पटाखा था वो एक तो मिस हो गया और दो पटाखे हमने एक साथ ही नहीं जला पाए, क्योंकि पटाखे एक साथ दो पटाखे जलाना बहुत ही खतरनाक काम है, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही खतरा वाला काम है, या फिर तो साथ में दो लोग रहें तो ये काम हो सकता है, ठीक है, तो मैंने एक एक करके पटाखे जलाए, मुझे दोबारा चांस नहीं मिला कि मैं उसमें भी आग लगा सकूँ, ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा नारियल है, ठीक है, जो हमारा नारियल है उससे एक खरोच तक नहीं आया, देखिए आपको चारों तरफ से, ठीक है, इसे एक खरोच तक नहीं, इसका मतलब कि ये नारियल का जो कवर है ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है, तो इस नारियल को हम नेक्स्ट वीडियो में कभी फोड़ेंगे, ठीक है, वो भी बड़े वाले फॉर्म से, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए जय हिंद।